गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ईशा और आज हम देखेंगे 2009 में रिलीज हुई एक जापानीज ड्रामा फिल्म जिसका नाम है द ब्यूटी टैक्स। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक जापानीज ऑफिस दिखाया जाता है जहां मैनेजर हर किसी पर चिल्लाता है कि वे अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। हालांकि जब एक ब्यूटीफुल वूमन जिसका नाम आइको है उससे गलती हो जाती है तो मैनेजर उससे कुछ नहीं कहता, यहाँ तक कि वो खुद उससे माफी मांगता है इतना रूड होने के लिए। आइको के कोवर्कर्स उसे इतना पसंद नहीं करते क्योंकि वे चाहे कितनी भी मेहनत करें लेकिन मैनेजर हमेशा आइको का पक्ष लेते हैं। वे कहीं भी जाएं लोग हमेशा आइको को एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं। लंच के वक्त भी सिर्फ आइको को ही पुडिंग मिलती है। काम से वापस घर जाते हुए भी सेल्समैन आइको को फ्री प्रोडक्ट के 2 पैकेट्स देता है जबकि दूसरों को 2 लोगों के लिए सिर्फ 1 पैकेट मिलता है। पर आइको के लिए हर दिन एक नॉर्मल डे होता है क्योंकि उसे बचपन से ही इन सब की आदत थी। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने नया कानून लागू किया है जिसके मुताबिक कंट्री की हर एक ब्यूटीफुल लेडी को ब्यूटी टैक्स पे करना होगा। ऑडियंस में से कुछ लोग इसके खिलाफ थे और उनके मुताबिक ये कानून औरतों के खिलाफ है। वे इसका जवाब देते हैं कि ब्यूटीफुल लेडीज को एक्स्ट्रा राइट्स मिलते हैं जो अगली पीपल के लिए सही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कानून जल्द ही लागू होगा और ब्यूटी टैक्स ना देने वाले इंसान को पनिश किया जाएगा। कुछ दिनों बाद आइको एक आदमी से मिलती है जो उसे ब्यूटी सलून में एक जॉब ऑफर करता है। आइको के कलीग्स उसकी पॉपुलैरिटी से जलस होकर वहाँ से चले जाते हैं। आइको भी उन्हें फॉलो करती है। तभी कैमरा न्यूज़पेपर की तरफ टर्न होता है जहाँ हेडलाइन होती है कि अब से ब्यूटी टैक्स कानून लागू हो गया है। इसी दिन वे तीनों लंच पर जाते हैं जहाँ आइको के कोवर्कर्स अपने खाने के लिए 1000 येन देते हैं। इसी दिन वे तीनों लंच पर जाते हैं जहाँ आइको के कोवर्कर्स अपने खाने के लिए 1000 येन देते हैं पर आइको को स्कैनिंग डिवाइस के सामने खड़े होने को कहा जाता है। ये डिवाइस वुमेन्स की ब्यूटी के मुताबिक ही उनकी टैक्स परसेंटेज बताता है। आइको पोज करती है जिससे मशीन उसका फेस स्कैन कर लेती है। रिजल्ट में 20% टैक्स आता है। इसका मतलब आइको को 20% टैक्स देना होगा और अब आइको का टोटल बैलेंस 1200 येन आता है। हालांकि ये वही रेस्टोरेंट था जो उसे लंच में फ्री पुडिंग ऑफर करते थे, अब वही उससे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे थे क्योंकि आइको बहुत ही ब्यूटीफुल थी। बाद में आइको एक वाटर बॉटल लेती है और फिर से उसे नॉर्मल पर्सन से ज्यादा पे करना पड़ता है जैसा कंट्री की हर एक ब्यूटीफुल लेडी को ब्यूटी टैक्स देना पड़ रहा था। वही न्यूज रिपोर्टर्स आम लोगों का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। कुछ लोग इस नए कानून से बहुत ही खुश थे। एक आदमी ये दावा करता है कि उसने कई सुंदर लड़कियों पर बहुत खर्चा किया है और ये बिल्कुल सही है कि उनसे भी ब्यूटी टैक्स लिया जाए। एक लड़की जो दिखने में सुंदर नहीं थी वो कहती है कि ब्यूटीफुल लेडीज को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये सही होगा कि वे ज्यादा टैक्स पे करें। जहां इस कानून के लागू होने से पहले कई लोग इसके खिलाफ थे पर इसके लागू होने के बाद ही लोग इसके पक्ष में आ गए थे और अब कई सारी कंट्रीज भी ब्यूटी टैक्स के फेवर में थी। अगले दिन आइको को उसका पे चेक मिलता है जिसे देखकर वो डिसअपॉइंट हो जाती हैं क्योंकि उसकी एक्चुअल सैलरी से ये बहुत ही कम पैसे थे। वो जल्दी से मैनेजर के पास जाती है और उसे पता चलता है कि ब्यूटी टैक्स सैलरी पर भी अप्लाई होगा। इसका मतलब उसकी सैलरी 20% टैक्स काट कर उसे दी जाएगी। मैनेजर आइको को समझाता है कि ये उसकी गलती नहीं है बल्कि गवर्नमेंट की है। इस कानून के खिलाफ जाकर आइको और उस जैसे ब्यूटीफुल लेडीज हाथों में साइन बोर्ड लेकर प्रोटेस्ट की शुरुआत करती है और टैक्स ऑफिस पहुंच जाती है। वहां एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि ये कानून अब लागू हो चुका है और अब इसे बदला नहीं जा सकता। आइको कहती है कि ये कानून वुमेन्स के खिलाफ है पर ऑफिसर जवाब देते हैं कि ब्यूटीफुल लेडीज को हमेशा अटेंशन मिलती है और उन्हें लोगों से स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलता है। ऑफिसर आइको को इस बारे में सोचने के लिए कहता है। आइको को याद आता है कि जब वो छोटी थी तब उसे एक फ्लावर पॉट टूट गया था। वहीं पर एक अडल्ट होता है जो दूसरे बच्चों पर इसी बात के लिए बहुत गुस्सा हुआ था पर उसने आइको को कुछ नहीं कहा बल्कि उसे प्यार से समझाने लगा। कॉलेज में भी वो और उसके फ्रेंड्स जब खाने पर जाते थे तो खुद ही पे करते थे क्योंकि आइको कॉलेज में भी ऑफकोर्स बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उसके ऑफिस में भी आइको के बॉस उसकी हर गलती माफ कर देते थे जबकि वो दूसरों की गलतियों पर उन पर बहुत गुस्सा करते थे। स्टोरी के प्रेजेंट में वो ऑफिसर आइको को बताता है कि उस जैसे ब्यूटीफुल
लेडीज को सोशल और इकोनॉमिकल फायदे होते हैं जो दूसरे लोगों के लिए सही नहीं है, इसलिए ये कानून लागू किया गया है। आइको को बेहतर महसूस कराने के लिए वो ऑफिसर कहता है कि उसकी खूबसूरती कंट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक सेट की गई है और अब इस सिचुएशन को दूसरे नजरिए से सोचने पर आइको को बेहतर महसूस होता है कि उसे 20% टैक्स देना पड़ रहा है और अब जो लेडीज ज्यादा टैक्स देती थी उन्हें अब सोसाइटी में सबसे बेहतर के तौर पर देखा जाने लगा। यहाँ तक कि आइको एक रियलिटी टेलीविजन शो में जाकर अपनी खुशी जाहिर करती है। आइको को अपने आप पर बहुत प्राउड फील होता है कि वो उन चुनिंदा लोगों में से है जो 20% ब्यूटी टैक्स पे करते हैं। एक लड़की का कहना था कि जब लड़कों को पता चला कि वे ब्यूटी टैक्स पे करती हैं तो उन्हें बार और रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया गया। यह आइको के ऑफिस में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और उसे एक लड़की जो कि 20% ब्यूटी टैक्स देती है इस नाम से जाना जाने लगा। जहां पहले आइको रेस्टोरेंट में टैक्स को लेकर बहस करती थी, वहीं ज्यादा ब्यूटीफुल होने के लिए वो कैशियर को एक्स्ट्रा मनी पे करती है। अगले सीन में आइको के मैनेजर इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए उसे बुलाते हैं और बिजनेस पार्टनर आइको का ब्यूटीफुल फेस देखकर बिना किसी हिचकिचाहट के पेपर्स पर साइन कर देते हैं। चीजें खरीदते हुए भी आइको इस बात पर दबाव डालती है कि उसे 20% ब्यूटी टैक्स पे करना है। वहीं उसके पास ही एक दूसरी लेडी होती है जो सिर्फ 5% ही ब्यूटी टैक्स पे करती है और जब आइको को उसका पे चेक मिलता है तो वो गुस्सा होने के बजाय खुश हो जाती है। आइको की लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है बट तभी राइको ताजीमा आ जाती है। राइको 25% ब्यूटी टैक्स पे करती थी, इसका मतलब लॉ के मुताबिक राइको उससे ज्यादा ब्यूटीफुल थी। उसके सारे कलीग्स उसे फॉलो करते हुए कहते हैं कि वो किसी सेलिब्रिटी जितनी खूबसूरत है। सारे मेंस राइको से नजर नहीं हटा पा रहे थे और ये देखकर आइको को उससे जलन हो रही थी और आइको किसी न किसी दिन उससे ज्यादा सुंदर होने की कसम खाती है। वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है जिससे वो अपना वजन घटा सके, यहाँ तक कि वो डेली स्पा में जाकर एक्सपेंसिव फेशियल ट्रीटमेंट भी करवाती है, फिर रेस्टोरेंट में जाकर अपना फेस स्कैन करवाती है और अब पता चलता है कि उसे 30% ब्यूटी टैक्स देना पड़ेगा। आइको ये पता चलने पर खुश हो जाती है कि फाइनली वो अब राइको से ज्यादा सुंदर हो चुकी है, पर जब वो अपना बैंक बैलेंस देखती है तो उसकी सारी खुशी ही एक पल में गायब हो जाती है क्योंकि उसके अकाउंट में सिर्फ 2 yen बचे थे। उसका दिन और खराब हो जाता है तब उसे राइको की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता चलता है। उसने सुंदर होने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी लेकिन जब उसने अपना चेहरा देखा तो वो कांप उठी। ब्यूटी टैक्स देकर वो थक गई थी इसलिए राइको ने सर्जरी करवाई और अगली हो गई और अब उसका फेस बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। उसका फियोन से भी उसे छोड़कर जा चुका था क्योंकि वो राइको का खर्चा नहीं उठा पा रहा था। आइको सोचती है कि उसका दिन इतना भी बुरा नहीं हो सकता, पर तभी मैनेजर उसे बुलाता है और आइको को इन्फॉर्म किया जाता है कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। तब पता चलता है कि कंपनी को हर एक ब्यूटीफुल वुमन के लिए टैक्स भरना होता है और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए उन्होंने कंपनी की सारे ब्यूटीफुल वुमन्स को नौकरी से निकाल दिया है। जल्द ही कंट्री में ब्यूटी का मतलब ही चेंज हो जाता है, मतलब कि अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम पर वुमन्स को अगली बनाने वाले प्रोडक्ट्स बिकने लगे थे। जो लोग ज्यादा टैक्स पे करने से अपने आप पर गर्व करते थे वहीं आज खुद को अगली दिखाकर अपनी जॉब पर वापस जा रहे थे। यहाँ तक कि मेंस ने भी ब्यूटीफुल वुमन को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उनका खर्चा बहुत ही ज्यादा था। एक दिन आइको बार में अकेली बैठी होती है तभी एक आदमी वहाँ आता है और कहता है कि वो उसके ब्यूटी टैक्स को कम करने में उसकी मदद कर सकता है। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी आइको को उसके फैमिली लॉयर का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी डेड मदर अपनी सारी दौलत आइको के लिए छोड़ गई थी। हालांकि ब्यूटी टैक्स विरासत में भी अप्लाई होता है क्योंकि आइको की मदर भी बहुत सुंदर थी जिस कारण आइको को बहुत ही कम अमाउंट दिया जाता है और बताया जाता है कि अगर वो गवर्नमेंट से कंप्लेन करेगी तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी रात आइको उसी सेम बार में जाकर उस आदमी से मिलती है। वो अपना नाम नोनोमोरा बताता है। आइको और नोनोमोरा आपस में बहुत बातें करते हैं। नोनोमोरा उसे सजेस्ट करता है कि वो ब्यूटी टैक्स अवॉइड करने के लिए खुद को अगली बना ले। नोनोमोरा आइको को फेक
थिक आईब्रो देता है। आई को पहले हिचकिचाती है क्योंकि ब्यूटी टैक्स ना पे करने से उसे जेल भी हो सकती थी, बट नोनो मोरा उसे बताता है कि कई लड़की ये सब कर रही हैं। अगले दिन आई को वे फेक थिक आईब्रो अपने फेस पर लगा लेती है। वो अपने ब्यूटीफुल हेयर भी शॉर्ट विक लगा कर छिपा लेती है और अपनी नाक पर एक बड़ा मोल लगा लेती है। टैक्स ऑफिसर उसे देख कर डर जाता है। आई को बताती है कि वो अपनी मदर की डेथ से बहुत ही स्ट्रेस्ड हो गई थी, इसी वजह से उसका वेट भी बढ़ गया। ऑफिसर उसका फेस स्कैन करता है और मशीन उसे अगली बताती है। ऑफिसर फाइनली आइको को प्रिटी वुमन्स की लिस्ट से हटा देता है। इसका मतलब उसे अब और ब्यूटी टैक्स नहीं देना होगा। अब आइको की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, तो वो बाहर आकर नोनो मोरा को कॉल करती है। नोनो मोरा आइको को कंग्रेचुलेट करता है और उसे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए बुलाता है। आइको को लगता है कि नोनो मोरा उसमें इंटरेस्टेड है। वो बहुत खुश होती है कि अब भी कोई है जो उसकी ब्यूटी की कदर करता है। आज वो दिन आ जाता है जब वे दोनों मिलने वाले थे। आइको रेडी हो रही होती है तभी दो पुलिस ऑफिसर उसके घर पहुंच जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसने अगली होने का नाटक करके ब्यूटी टैक्स को अनदेखा किया। ऑफिसर आइको को बताता है कि नोनो मोरा एक ठग है जिसकी नजर हमेशा खूबसूरत लड़कियों के पैसों पर रहती है और वो आइको में इंटरेस्टेड नहीं था बल्कि उसके पैसों को हड़पने की कोशिश कर रहा था। और अब आइको को 2 साल की जेल हो जाती है। आइको अब बहुत डिप्रेस्ड और अकेली हो गई थी। उसकी सिर्फ एक लौती फ्रेंड थी जो उसकी सेलमेट थी और उसने भी अगली बनने की कोशिश करके टैक्स अवॉइड किया था। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो आइको विश करती है कि काश वो बदसूरत पैदा होती। वो सोचती है कि अगर उसकी नाक 1 सेंटीमीटर छोटी होती तो आज उसकी लाइफ अलग होती, बट उसकी सेलमेट उसे सलाह देती है कि उसे ऐसे रियलिटी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। वो दावा करती है कि वे दोनों अभी बेशक दुखी हैं पर अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं। उसके मुताबिक उन्हें अपने चेहरे पर नहीं बल्कि अपने दिल को सुंदर करना चाहिए। आइको अपनी फ्रेंड के वर्ड्स से इंस्पायर्ड हो जाती है और वो कसम खाती है कि वो अब से अपने दिल की खूबसूरती पर काम करेगी। और फाइनली 2 साल बाद आइको जेल से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही वो एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखती है क्योंकि उसकी आइसक्रीम जमीन पर गिर गई थी। आइको दूसरी आइसक्रीम लेने शॉप पर जाती है। शॉपकीपर मशीन में उसका फेस स्कैन करता है और उल्टा उसे एक्स्ट्रा पैसे वापस दे देता है और कहता है कि वो अब इतनी ब्यूटीफुल नहीं है। तभी उसके पीछे खड़े 2 बच्चे उसे अगली बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आइको उन्हें कहती है कि वो अब भी उतनी ही सुंदर है और तब रिवील होता है कि इन 2 सालों में ब्यूटी का स्टैंडर्ड पूरी तरह से चेंज हो गया था क्योंकि ब्यूटी टैक्स की वजह से ज्यादातर मेंस अगली वुमेन्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे और अब अगली वुमेन्स ही सबसे पॉपुलर हो गई थी। आइको उस बच्ची को आइसक्रीम देती है पर वो मना कर देती है क्योंकि आइको अब अगली हो चुकी थी। कहानी यही खत्म हो जाती है। और आपको ये मूवी कैसी लगी राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।